लॉकडाउन पार्ट थ्री में दी गई छूट के बाद लखीमपुर की गलियों और मार्केट से निकलकर डीएम और एसपी खीरी में बाजार के दुकानदारों से मुलाकात कर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की अपील की। केन्यू संवाददाता ने डीएम शैलेंद्र कुमार से खास बातचीत की, आप सुनाते हैं। जो आज लखीमपुर में कुछ थोड़ी सी ढील दी गई है, कुछ दुकानों को खोलने के आदेश हुए, लेकिन इसके बावजूद उस आदेश का पालन हो रहा है। जमीनी हकीकत उसकी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद आज मैदान पे हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने गलियों में जाकर दुकानों को बंद कराया। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन को पालन के लिए जो कोशिशें हैं वो प्रशासन लगातार करता दिखाई दे रहा। हम बात करते हैं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी से, क्या आदेश है, किस तरीके का? देखिए, आज से हमारा चूंकि जिला ग्रीन जोन में है, तो उसके हिसाब से जो शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से कुछ स्थानीय व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे सारे जो ट्रेड हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है। कुछ ट्रेड एक दिन खुल रहे हैं, दूसरे ट्रेड बाकी दूसरे दिन खुल रहे हैं। जो हमारी सकरी गलियां हैं उसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट रखा गया है कि एक दिन लेफ्ट पटरी खुलेगी, एक दिन राइट पटरी खुलेगी। चूँकि सारी व्यवस्था आज फर्स्ट डे है तो थोड़े बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, जो हमारे अधिकारी भ्रमण करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर मनसा यही है कि जो शासन का निर्देश है, भारत सरकार का निर्देश है, राज्य सरकार का निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। और हम यहाँ के नागरिकों को, सभी जनपद वासियों को बधाई भी देंगे कि इन लोगों के सहयोग से हमारा जनपद अभी तक ग्रीन जोन में है। आगे भी मैं यही सहयोग चाहूँगा कि एक ग्रीन जोन में बना रहे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो सैनिटाइजेशन के नाम से उसको फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले दिनों में हमको अप्रिय स्थितियों का हमारे जनपद को सामना करना। जो निर्देश दिए गए उनका फॉलो हो रहा है, या जो लेफ्ट और राइट की बात की गई थी, हम बात करते हैं पुलिस अधीक्षिका महोदय हमारे बीच में है कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत और किस तरीके से सुचारू करने की कोशिश। देखिए, अब निश्चित तौर से पुलिस की गश्त का भी और इस लॉकडाउन का अनुपालन कराने का भी काम और ज़्यादा सतर्कता से करने की आवश्यकता है, और वही सुनिश्चित कराने के लिए हम लगातार राउंड ले रहे हैं। पूरा फोर्स को बीफ किया गया है, मार्केट में जो व्यवस्था बनाई गई है ताकि मार्केट खुले भी लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, ये हम सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके साथ साथ क्राइम के एंगल पर भी हम लोग सतर्क हैं, क्योंकि सब लोग बाहर निकल रहे हैं तो कहीं कोई घटना ना हो, उसके लिए भी हम लगातार फोर्स को लगाए हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इसको अच्छे से हम लागू कराएंगे, और शुरू में व्यवस्था बनने में 2-3 दिन में ज़्यादा पुलिस को मेहनत करनी है, उसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जनता से हमारी अपील है कि अपना जिले में जो अब तक सबने सहयोग प्रदान किया है उसी का ये परिणाम है कि कुछ अतिरिक्त छूटें आपको दी जा रही हैं, लेकिन उसमें जिम्मेदारी के तौर पर काम करें, जिम्मेदारी का व्यवहार करें, और जो भी व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है हेडक्वार्टर पर उसको अक्षरशः अनुपालन करने में सहयोग प्रदान करें। जाहिर सी बात है, जब लोग सड़कों पर आएंगे तो कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और मेहनत की जरूरत है, जिसको बखूबी निभाते जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दिखाई दे रहे हैं। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा।